आप सभी लोगों का हमारी शमाज़ गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विंटर तो स्टार्ट हो गए हैं, नवंबर का आज 7 तारीख है नवंबर की, और फ्लावरिंग की तो बहार आ गई। समझ लीजिए, विंटर में ज़बरदस्त खूबसूरत फ्लावर्स है। तो आज मैं इन खूबसूरत सुंदर सुंदर फूलों के बारे में बताऊंगी, इनको कैसे लगाया जाता है, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी कैसी खाद देनी चाहिए, और फर्टिलाइज़र एंड सनलाइट एंड वाटरिंग, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगी, जिससे आप लोग विंटर में इनका बहुत खूबसूरत फूल का एक गुच्छा बनाइए और फिर देखिए आपका घर कितना खूबसूरत लगता है, गार्डन कितना प्यारा लगता है। तो इन फूलों के नाम बता दूं मैं आप लोगों को, ये है पिटूनिया, और ये डबल पैटर्न का भी पिटूनिया मेरे पास है और सिंगल पैटर्न का भी पिटूनिया है। पिटूनिया 3 प्रकार के होते हैं, मैंने जो मुझे मालूम है, जिसकी मुझे नॉलेज है, कि एक डबल पैटर्न का रहता है, एक सिंगल पैटर्न और उससे भी छोटे, इसमें बड़ा एक फूल सिंगल पैटर्न में, एक छोटा फूल, जो मेरे पास दोनों वैरायटी अभी है और डबल वैरायटी भी है। तो इसके बारे में आज हम एक और बात करेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये तीनों फूल, डबल पैटर्न के खिले हुए हैं, इसमें भी 3-3 फ्लावर्स खिले हुए हैं, और कितने खूबसूरत पिटूनिया में डिफरेंट कलर आते हैं। आपको कितने जितने बार देखेंगे उतना ही पिटूनिया आपको खूबसूरत लगेगा। मुझे पिटूनिया विंटर का बेस्ट फ्लावर लगता है। अगर हैंगिंग बास्केट में आप लगाना चाहते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा फ्लावर, बेहतरीन फूल है। विंटर में ये बहुत आपको मई तक ये फ्लावरिंग करते हैं, अगर आपके यहाँ ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं स्टार्ट होती है, और नहीं तो ये अप्रैल तक बहुत बढ़िया फूल देते हैं, खूबसूरत फ्लावरिंग देते हैं और ज़बरदस्त फ्लावरिंग देंगे। जो अगर मैं जो आपको तरीका बताऊँगी, जो सॉइल बताऊँगी, उसमें अगर आप लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत आपको फूल मिलेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग हम इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हम नर्सरी से जब प्लांट लेके आते हैं, और एक बात मेरे कई फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि उन्होंने नर्सरी से लेके आए और काफ़ी दिन, जैसे कि 1 हफ्ते तक हमारा प्लांट अगर रहता है बाहर पॉलीथीन में, तो वो सर्वाइव करेंगे? हाँ, यस, आपका प्लांट अगर पॉली बैग में है और उसमें आप वॉटिंग टाइम से कर रहे हैं तो वो सर्वाइव करते रहेंगे। फिर आप कब चाहें उसको लगा लीजिए। कभी भी नर्सरी से प्लांट लेके आइए, फ़ौरन चेंज मत कीजिए, थोड़ा सा उनके अपने गार्डन में रखिए, और फिर गार्डन में जो सेट हो जाते हैं, उनको वो अपना माहौल मिलता है, फिर आप उनको चेंज कीजिए, तो इतने शौक में नहीं होते हैं कि न्यू चेंज होती, जगह चेंज होती, उनके एनवायरमेंट चेंज होता है। तो इसलिए एकदम फ़ौरन चेंज कभी अपने प्लांट को मत कीजिए, कम से कम 3-4 दिन अपने गार्डन में रखिए, फिर उसके बाद इनको पॉट चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद उनको भी 2 दिन आप उसको सेमी शेड में रखिए, जैसे मीन्स छाया नेट के नीचे, फिर उनको आप फुल विंटर की फुल धूप में रखिए, फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छी देगी। तो अब चलिए सॉइल के बारे में बात हो जाती है। सॉइल हम लोग जो इसमें यूज करते हैं, क्योंकि कुछ दिन के प्लांट हो, सीजनल प्लांट है, तो इनको अच्छे से बढ़िया सी खाद की ज़रूरत होती है, बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपको फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, फूल भी बहुत प्यारे प्यारे आएंगे, तो आप इसमें आप 40% हमारी गार्डन मिट्टी ऐड कर लीजिए, 20% रिवर सैंड, और 30% हम या कंपोस्ट खाद, काऊ डंग्स या किचन वेस्ट खाद हो, आप उसको ऐड करके नीम खली एंड राख इनको मिक्स कर लेंगे, फिर अपनी पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए और उसमें ये सॉइल लगा लीजिए, सॉइल में लगाइए प्लांट को, बहुत प्यारे फ्लावरिंग देंगे और बहुत अच्छी ये आपको फूल भी बनाएंगे और ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन होगी। इस तरह की अगर सॉइल हम यूज करेंगे कि सॉफ्ट सॉइल होगी, जिसमें पानी ठहरना भी नहीं चाहिए और हल्की सी मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए, जैसे हल्की सी नमी मिट्टी में रहेगी तो आपको डेली पानी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी को अब्जॉर्ब करने में पानी को थोड़ा वक्त लगता है, कि इसलिए कि हम काफ़ी दिन तक विंटर में पानी नहीं दे पाते, कि विंटर रहता मिट्टी सूखती नहीं है, तो इसलिए हमें पानी बहुत एक अल्टरनेट देना पड़ता है, तो विंटर में बहुत कम पानी देंगे। अब इसके बात आती है इसकी सनलाइट की। सनलाइट की बात है कि ये विंटर की फुल सनलाइट में रहता है, समर में तो ये बहुत मुश्किल बचना इनका, कि बहुत गर्मी पड़ती है और हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी होती है समर में, और जहाँ ये हल्की सर्दी बनी रहती है वो सालों साल ये फूल देते हैं, कि इनको सर्दी पसंद है, ठंडक पसंद रहेगी तभी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेंगे। इनका मौसम ठंडक है, ये हमारे यहाँ रेडी प्लांट बन के आते हैं, बाहर प्लांट से आते हैं, और ये बाहर से जब प्लांट तैयार हो जाते हैं, हमारे यहाँ मैंने इसकी सीड्स लगाए तो मेरे अभी सीड छोटे छोटे से, उनमें फूल आने में टाइम लग जाएगा, तो ये जहाँ से रेडी होके आते हैं वहाँ पहले से सर्दी होती है, जैसे नैनीताल, शिमला, नासिक, ये जगह बहुत जो ठंडी ठंडी जगह हैं, तो यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट पहले से तैयार हो जाती है, पौध पहले से तैयार कर दी जाती है।
तो अब इसकी बात आ गई हमारे इसमें कीड़े लगने की। देखिए नॉर्मली सभी प्लांट में कोई मिलीबग अटैक करना, कहीं कुछ कहीं कीड़े लग जाना, तो इनको इनसे हम अपने प्लांट को कैसे बचाएं जो हमारे विंटर में बहुत प्यारी फ्लावरिंग दें। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, नीम ऑयल बेस्ट है, कोई केमिकल में वैसे भी ये चाहे प्लांट हमारे सीजनल हो, जो कोई भी नीम ऑयल स्प्रे कीजिए हर हफ्ते में या 10 दिन में। 10 दिन में अगर करते रहेंगे तब भी कोई कीड़े आपके प्लांट में नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छी लीव्स भी रहेंगे, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, कि इनको कीड़ों से बचाते हैं। बहुत बढ़िया लीव्स रहेंगे, स्टेम भी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात आती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। हमें अपने प्लांट से अगर अच्छी फ्लावरिंग लेने, बहुत बेहतरीन फूल लेने, अच्छे साइज़ के फ्लावर चाहिए, तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं आपको जो बता रही हूँ, वो आप बहुत आसानी से बना के अपने प्लांटों में डाल सकते हैं। मगर वो प्लांट खाद पान तरीका बताऊँगी, मेरे वीडियो नंबर 26 पर है, आप चेक कर लीजिए। इसमें नीम खली, मस्टर्ड और भी चीज़ें मैंने बना के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, उसको मैं यूज करती हूँ हर प्लांट में, जो बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग करेंगे और बहुत बहुत अच्छे आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ख्याल रखेंगे तो हमारे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करने पड़ते हैं और बहुत प्यारे फूल देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काउडंक नेचुरल खाद, हम काउडंक इसमें बोन मील मिलाएंगे, काउडंक लेंगे एक एक मुट्ठी और बोन मील हम सिर्फ आधी मुट्ठी लेंगे और उसमें मिला के हम अपने प्लांटों को हर 20 दिन में, क्यों नेचुरल ये बढ़ेंगे, कुछ सीजनल प्लांट है, इनको अच्छी फर्टिलाइज़र अच्छी खाद देंगे तो बहुत प्यारी फ्लावरिंग करेंगे। तो आप उसको दीजिएगा हर 20 दिन में या 25 दिन में देते रहेंगे एक एक मुट्ठी, तो फूल बहुत प्यारे मिलेंगे। अब आती है हमारे गमलों के साइज़ की बात। देखिए प्लांट ये बहुत फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर इनके रूट्स इतने बड़े नहीं होते हैं, रूट्स इनके छोटे होते हैं, तो आप इनको 5 इंच के गमले में या 5 इंच के हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, कि बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी देंगे। तो मैं देखिए हैंगिंग बास्केट में भी लगाऊंगी और मैंने हैंगिंग वो इसमें देख रहे हैं आप, मैंने बास्केट में भी लगा रखे हैं और इनको भी मैं चेंज करके उन बास्केट में लगाऊंगी, बहुत खूबसूरत फूल देंगे, बहुत प्यारा गुच्छा होता है, चारों तरफ जब लटकते हैं फूल उसमें खिलते तो बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए मेरे ये बटरफ्लाई फ्लावर्स पेंजी कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं, फूल मैंने सारे चेंज किए और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर रहे हैं। अभी मैंने फुल सनलाइट में नहीं रखी हूँ, थोड़ा सा सेमी शेड में रखी हूँ, जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी धूप मिलती रहेगी, फिर मैंने फुल सनलाइट में निकाल दूंगी। तो देखिए कितना प्यारा हमारा गार्डन लग रहा है, मैंने अकॉर्डिंग आपको बता दिया है, सारी जानकारी दे दी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना जरूर याद रखिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।